यूपी में अभी हाड़ कपा देने वाली ठंड, शीतलहर और घने कोहरे से निजात मिलती नहीं दिख रही। प्रदेश के अधिकतर हिस्से घने कोहरे की चपेट में हैं। आलम यह है कि दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड की चेतावनी दी है। वहीं बारिश भी हो सकती है। तेजी से लुढ़के पारे के बीच मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा, यहां तापमान 2 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं बाराबंकी में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री तो रायबरेली के फुर्सतगंज में 2.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पूर्वी यूपी में सोनभद्र सबसे ठंडा रहा, यहां पारा लुढ़ककर 3 डिग्री पर पहुंच गया। उधर लखनऊ में भी तापमान गिरकर 4 डिग्री पर आ गया। 13.4 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन बहराइच में सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में यूपी के कुछ हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है, जबकि कुछ अंचलों में कोल्ड डे जैसा दिन होने और कुछ स्थानों पर पाला पड़ने की भी संभावना जताई है। सुबह और रात में घना कोहरा रहेगा। अलर्ट के मुताबिक सोमवार की सुबह यूपी में घने कोहरे के साथ हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ समेत जिलों में घना कोहरा छाया रहा, तो उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में भी यही हाल रहा। मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा और बाराबंकी और रायबरेली के लोग भी ठंड से कांप गए। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में पारा अब तक के न्यूनतम स्तर पर बना हुआ है। ठंड के चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आबोहवा भी बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली एनसीआर में 346 AQI के साथ जहां ग्रेटर नोएडा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, वहीं 333 AQI के साथ नोएडा दूसरे स्थान पर है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आगामी 5 दिनों तक यहां पारा 6 डिग्री के आसपास ही रहेगा। इसके चलते 27 से 30 दिसंबर के बीच नोएडा के साथ आसपास के जिलों में भी बारिश की संभावना है। पूर्वांचल भी कोल्ड डे की चपेट में रहा। कश्मीर में हुई बर्फबारी के चलते सर्द हवाओं ने गलन में इजाफा किया। दिन भर पछुआ हवाएं चलती रही। सोनभद्र का चुर्क इलाका 3 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। उधर कोल्ड वेव के लिहाज से गोरखपुर को येलो जोन में रखा गया है। यहां पारा 6.8 पर पहुंच गया, जबकि बलिया में 6 और वाराणसी में तापमान 8 डिग्री रहा। गोरखपुर में IMD के मौसम वैज्ञानिक तीर्थेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ इस समय जम्मू कश्मीर और इससे सटे लद्दाख क्षेत्र में बना हुआ है। दक्षिण भारत के पास कोमोरिन क्षेत्र पर एक चक्रवर्ती सिस्टम दिखाई दे रहा है, जिससे आगामी दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं और प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा।